हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर। और मैं क्या बोलूं, परसों तो आप लोगों ने धमाका ही कर दिया, जो मैंने वीडियो डाली थी आपके लिए, जो रीडिंग के लिए। मैंने ऐसे में सोच रहा था कि क्यों ना एक रीडिंग की वीडियो डाली जाए, तो मैंने अपलोड की और बहुत जम से वीडियो पर ट्रैफिक आ गया। आप लोगों ने बहुत पसंद किया इस वीडियो को और बहुत लोगों ने लाइक भी किया, तो इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही ECLE के साथ बनाए रखें, और आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो उस प्रकार के मैं वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। रीडिंग सेक्शन का वो मैं आपको इम्प्रूव कराऊंगा। उसके साथ ही हम आज वुड लाइक टू भी पढ़ने वाले हैं, वुड लाइक टू। तो मैं आपको बता दूं कि आपको रीडिंग अगर इम्प्रूव करना है तो आप रीडिंग सेशन, रीडिंग स्किल के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। मैं वीक में 2 या 3 वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर लाऊंगा, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। किससे करूंगा? जीरो से स्टार्ट करूंगा, उसमें जीरो से। ओके, सो जीरो से स्टार्ट करूंगा। साथ ही अपन ये जो अपन ग्रामर पढ़ा उससे, उस वीडियो में आपको सब कवर हो जाएगा। ओके, साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं वुड लाइक टू। वुड लाइक टू कि हर बात करें तो बहुत ज़्यादा, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा जो है वुड लाइक टू, या हम बोल सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा पोलाइट, अगर हमको पोलाइट बोलना है, बहुत ज़्यादा स्वीट भाषा इस्तेमाल करना है, तो वुड लाइक टू का हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वुड लाइक टू, मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू। ओके, सो आई वुड लाइक टू स्पीक। तो हम ऐसे हम बना सकते हैं, आसान से सेंटेंस हम बनाएंगे, बनाना हम सीखेंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा मीठी भाषा है, बहुत ज़्यादा पोलाइट। अगर आपसे बात करनी, किसी पोलाइटली किसी से बोलना है, तो वुड लाइक टू का उपयोग हम कर सकते हैं। तो पहचान भी बहुत आसान है। ओके, और अगर आपको आगे से आगे का कुछ करना है तो भी हम बता सकते हैं। तो ये फ्यूचर का ही एक पार्ट है, हम वी कैन से डैट। साथ ही फ्यूचर की पार्ट होने के साथ साथ यह आप पोलाइट बोलने में एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आपको अगर आदर समेत अगर बात करनी, बहुत पोलाइटली बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि होटलों में वगैरह, होटलों में देखो तो बहुत ज़्यादा वुड लाइक टू, व्हाट वुड लाइक टू हैव, ऐसे बोलते हैं ना, सर व्हाट, सर व्हाट वुड लाइक टू, क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड लाइक टू टेक, ऐसे मतलब बहुत पोलाइटली भाषा का यूज़ करते हैं। तो हम पहचान पर जाते हैं सबसे पहले। तो और मैं तो ये बताना भूल गया, पहचान में बताता हूँ। उससे पहले जो 5 वर्ड हैं, जो मैं हर बार मैं वॉकअप के लिए आपके लिए लाता हूँ, साथ ही में वो भी लाया हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम वो वर्ड देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है आपका, क्या है फर्स्ट वर्ड है आपका, क्या लिखा है, THREATIES, क्या लिखा है, थ्री टिक्स। थ्री टिक्स मीन्स होता है नाटकबाजी करना, या नाटकबाजी। थ्री टिक्स को हम क्या बोलते हैं, नाटकबाजी, आपको इसके भी सेंटेंस बनाने। सेकंड मीनिंग है डेस्परेट। डेस्परेट मीन्स क्या होता है, हताश होना, हताश या निराश होना। हम बोलते हैं डेस्परेट मीन्स होता है हताश या निराश होना, हम क्या बोलते हैं, हम डेस्परेट का हम यूज़ करते हैं डेस्परेट का। सेकंड है, फटाक से देख लो, ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट। ब्लॉट मीन्स क्या होता है, धब्बा, दाग, दाग या धब्बे लग जाए तो उसमें ब्लॉट बोलते हैं। और वैसे भी जैसे कोई कोई किसी ने गलत काम कर दिया, या कुछ गलत, हाँ सीधी गलत काम कर दिया, बोलते हैं ना कि धब्बे के समान है, एक परिवार पे धब्बा लग गया, इसने गलत काम किया था, ठीक है। तो उसके तौर पर भी हम करते हैं धब्बा, इसको हम ब्लॉट बोलते हैं। ये जो वर्ड है, जो आपका सुना सुनाया वर्ड है, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद। जब सुशांत सेन राजपूत का केस चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा नेपोटिज्म मीन्स भाई भतीजावाद, आपने बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा नेपोटिज्म का मतलब, नेपोटिज्म आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। और लास्ट देखो, लास्ट मीनिंग आज की है क्या, ड्यूप। ड्यूप मीन्स होता है ठगी करना। ड्यूप मीन्स क्या होता है, ठगी करना। ड्यूप मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को ठगी करना। ओके, तो आज के 5 वर्ड थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, साथ ही हम इसको मिटाते हैं और हम फिर चलते हैं वुड लाइक टू। बहुत ही ज़्यादा स्वीट भाषा में हम यूज़ करते हैं वुड लाइक टू का उपयोग। ओके, तो मैं एक आपके लिए बता दूं, वुड लाइक टू के लिए जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, वो मैंने मतलब जो भी किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पोलाइटली अगर किसी को बोलना, जैसे मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, इसका अगर पोलाइटली अगर हम बोलना है
तो ये बॉन्ड टू से तो बनेगा, साथ ही वुड लाइक टू से भी आप बना सकते हैं अगर पोलाइटली यूज़ करना है। अगर पोलाइटली तो ये आपके लिए ऑप्शन के लिए, ऑप्शन के लिए तो हम इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान बहुत आसान है। पहचान क्या है? बहुत आसान इसकी पहचान है। पहचान क्या भैया? पहचान इसका चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, या फिर हम बोलेंगे पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, पसंद करेगी। ओके, ये भी आपकी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये होगा ये आप पोलाइटली, पोला अगर आपको पोलाइटली किसी चीज़ को बोलना है, पोलाइटली सेंटेंस के लिए बोलना है तो अपन बोल सकते हैं, जैसे मैं चाय लेना पसंद करूँगा, मैं चाय लेना पसंद करूँगा, क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, या फिर मैं चाय पीना चाहूँगा या लेना, या चाय लेना चाहूँगा, पसंद करूँगा, हो सकता है ट्रांसलेशन। तो हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखो, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, पसंद करूँगा, पसंद करेगी, या पसंद करेंगे, हो सकता है। ओके, पसंद करेंगे, इसको लिख लो, पसंद करेंगे। ओके, ये भी होगा पसंद करेंगे। ओके, हो गया। ओके, आसान। अब हम सेंटेंस, जैसे सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह चाय पीना चाहेगी, चाय पीना चाहेगी। ओके, मैं मिठाई लेना पसंद करूँगा, मैं मिठाई लेना पसंद करूँगा या करूँगी, चलो करूँगी कर दो। ओके, मैं मिठाई लेना पसंद करूँगी। आप बोलना चाहोगे, आप बोलना चाहोगे, बोल सकते हैं, आप बोलना चाहोगे। ओके, सुहानी गाना गाना चाहेगी, गाना चाहेगी, ठीक है। वह पहने देखो, बे क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। ओके, तो आप ध्यान से देख लो, करेंगे तो इससे भी हम बना सकते हैं। या मैं लिखना चाहता हूँ तो उससे हम पोलाइटली, अगर आपको बोलना है तो आप वुड लाइक टू से भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो देखो भाई, चाय पीना चाहेगी, चाहेगी, अगर मैं मिठाई लेना पसंद करूँगा, लेना, ठीक है, आप बोलना चाहेंगे, भाई गाना गाना चाहेंगी, वे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं, ये इसकी पहचान है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम किस पे जाते हैं, हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। जैसे एक 6 स्ट्रक्चर बनाना है आपको, जैसे हम बनाना सीखते हैं, इसके 6 स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली अगर हमें बोलना है, बहुत स्वीट भाषा का उपयोग करना है, तो हम वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत मस्त लगता है वुड लाइक टू, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं पर्सनल बात करूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वुड लाइक टू का यूज़ करना। ओके, देखते हैं, तो हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। ओके, तो जाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस वी, ठीक है, आसान है। और सेंटेंस बनाने बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नेगेटिव पे जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड। अकल है, ध्यान करना है, नॉट कहाँ लगाना है, तो वुड के बाद बस नॉट लगाना है, कहाँ लगाना है, वुड, वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, यहाँ टू लगा दो, ठीक है, बिल्कुल बन गया। अब नेगेटिव बनाओ, इंटोगेटिव बनाओ, वुड प्लस लाइक, वुड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी अपन इसको क्लियर करते हैं, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बन गया। ऐसे जाते हैं नेक्स्ट, वुड प्लस इंडिकेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस वर्ब को सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगाना है यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगा दो, प्लस टू प्लस बी प्लस, सर बी क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ओके,
ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड वाला बना लेते हैं, चार बन गए। ऐसे क्यू डब्ल्यू बना लो, क्यू डब्ल्यू बोर्ड प्लस लाइक प्लस टू, ओके बोर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ओके। ऐसे इंटोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का, तो बोर्ड हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे प्लस लाइक लगाएंगे प्लस टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। बहुत इजी स्ट्रक्चर, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, आपके लिए बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस बोर्ड प्लस लाइक प्लस टू, टू लाइक के बाद यहाँ टू आ गया, टू आ गया फिर वर्ड को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। नेगेटिव नेगेटिव ध्यान रख लो, बोर्ड के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, बोर्ड के बाद नॉट लगाना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, ओके। तो बहुत आसानी से आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, स्ट्रक्चर आपने लिखना सीख लिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान से वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि कोई चीज़ें आप स्क्रिप्ट ना कर पाएँ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हम सेंटेंस बनाना हम स्टार्ट करते हैं, ओके। बहुत आसानी से हम सेंटेंस हम बनाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको सेंटेंस बनाने में, ओके। तो फर्स्ट वाला देख लो, वह चाय पीना पसंद करेगी, वह चाय पीना पसंद करेगी, क्या करेगी भैया, पसंद करेगी, क्या बनाएंगे, वह चाय पीना पसंद करेगी, क्या करेगी, चाय पीना पसंद करेगी, क्या बनाएंगे, शी वुड लाइक टू टेक टी। देखो चाय पीना मतलब सिप लेके हम पीते हैं तो हम टेक के यूज़ करते हैं, मैंने एक बार बताया भी है। ऐसे नेगेटिव बना लो, वह चाय पीना पसंद नहीं करेगी, वह चाय पीना पसंद नहीं करेगी, हो सकता है उसे शिकाएगा, शी वुड नॉट लाइक टू टेक टी, She would not like to take tea. बन गया, बनाओ, क्या वह चाय पीना पसंद करेगी, क्या वह चाय पीना पसंद करेगी, चाय पीना पसंद करेगी, क्या आएगा, would she like to take tea. बन गया, ऐसे बन गया। ऐसे फोर्थ वाला बना लो, क्या वह चाय पीना पसंद नहीं करेगी, क्या वह चाय पीना पसंद नहीं करेगी, क्या करेगी, पसंद नहीं करेगी, ओके। क्या आएगा, would she not like to take tea. बन गया, बिल्कुल बन गया, वह चाय पीना किस लिए पसंद करेगी, हो सकता है बहुत अच्छी चाय है वहाँ की, क्यों, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, किस लिए, क्या आएगा, फॉर वॉट, ध्यान से, फॉर वॉट would she like to take tea, बन गया, वह किस लिए चाय पीना पसंद नहीं करेगी, ठीक है, किस लिए चाय पीना पसंद नहीं करेगी, बनाओ, for what would she not like to take tea, बन गया, ऐसे ही बना गया। तो हम ऐसे इस प्रकार से हम छह सेंटेंस हम बना सकते हैं जैसे हमने बनाए हैं, और आप भी ऐसा बना सेंटेंस बनाना हम सीख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से हम सेंटेंस बनाना हम सीख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो फिर हम जाते हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, एक ही छः सेंटेंस की, आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है घर पर, कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 आपकी सेंटेंस आपको बनाना चाहिए, एक ही छः वाली, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, कि मैं मिठाई लेना पसंद करूँगा, ओके। एक हमने पढ़ा था पसंद करता है, वह लिखना पसंद करती है, मैं पढ़ना पसंद करती है, तो वह अलग है, इंडेफिनेट का वो अलग है,
लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अलग, अगर हम पोलाइटली के अगर हम बात करें, ये बिल से भी बन सकता है, ध्यान रखना ये बिल से ही बन सकता है, लेकिन अगर हमें पोलाइटली अगर हम बोलना है तो हम किससे बोलेंगे, वुड से बनाएंगे, तो वुड से बहुत इम्प्रेसिव जाएगा। ओके, तो मैं मिठाई लेना पसंद करूँगी। ओके, क्या बनाएंगे, मैं लिखाई तो क्या आएगा, आई वुड लाइक टू टेक स्वीट, मैं मिठाई लेना पसंद नहीं करूँगी। आई वुड नॉट लाइक टू टेक स्वीट, क्या मैं मिठाई लेना पसंद करूँगी। वुड आई लाइक टू टेक स्वीट, क्या मैं मिठाई लेना पसंद नहीं करूँगी। वुड आई नॉट लाइक टू टेक स्वीट, मैं मिठाई लेना पसंद क्यों करूँगी। वाई वुड आई लाइक टू टेक स्वीट, मैं मिठाई लेना क्यों पसंद नहीं करूँगी। वाई वुड आई नॉट लाइक टू टेक स्वीट्स, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप बोलना चाहोगे यू वुड लाइक टू स्पीक, आप बोलना नहीं चाहोगे यू वुड नॉट लाइक टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहोगे वुड यू लाइक टू स्पीक, क्या आप बोलना नहीं चाहोगे वुड यू नॉट लाइक टू स्पीक, आप क्या बोलना चाहोगे व्हाट वुड यू लाइक टू स्पीक, आप क्या नहीं बोलना चाहोगे व्हाट वुड यू नॉट लाइक टू स्पीक। ऐसी कर ली प्रैक्टिस, बहुत बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा ना। सुहानी गाना गाना चाहेगी, क्या आएगा, सुहानी वुड लाइक टू सिंग सॉन्ग, सुहानी गाना गाना नहीं चाहेगी, ध्यान से, सुहानी वुड नॉट लाइक टू सिंग सॉन्ग, क्या सुहानी गाना गाना चाहेगी। वुड सुहानी सिंग सॉन्ग, क्या सुहानी गाना गाना नहीं चाहेगी। वुड सुहानी नॉट लाइक टू सिंग सॉन्ग, सुहानी कैसा गाना गाना चाहेगी, कैसा, हाउ वुड सुहानी लाइक टू सिंग सॉन्ग, सुहानी कैसा गाना नहीं गाना चाहेगी। हाउ वुड सुहानी नॉट लाइक टू सिंग सॉन्ग, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसकी अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, कौन, वे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। दे वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे। दे वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। वुड दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे। वुड दे नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना पसंद क्यों करेंगे। वाई वुड दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना पसंद क्यों नहीं करेंगे। वाई वुड दे नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये पोलाइटली की बात कर रहे हैं। अगर हम बिल से ही बना सकते थे, दे विल लाइक प्ले क्रिकेट बना सकते थे, ये भी हम बना सकते थे, लेकिन ये हम अगर हम किससे पोलाइटली की अगर हम बात करना है तो हम बिल्कुल आसानी से हम वुड से हम बना सकते हैं। किससे हम बना सकते हैं, वुड से, या पसंद करें को चाहेंगी, अगर आप इसका ट्रांसलेट करोगे गूगल पे तो चाहेंगी भी आ सकता है, इसलिए आप ये नहीं सोचना कि ये गलत है, गलत नहीं है। अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो चाहेगा भी सेंस आ सकता है, पसंद करने का भी सेंस आ सकता है, लेकिन 100% जो आएगा चाहेगा, चाहेंगी, चाहेगी की भी आएगा, या फिर हम इसका भी आ सकते हैं। अगर हमें पोलाइटली की बात करना है तो चॉइस की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसा यूज़ करना है, लेकिन ये तो 100% आएगा, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगी। ओके, तो आपकी एक क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाकर ECLE की टेलीग्राम चैनल है, जो ECLE का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, आपकी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह मिल सकता है। आप कहीं पर भी जाकर आपको इसको क्लिक करना है, क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ओके, टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करना है, फिर आपको ज्वाइन का बटन आएगा, टेलीग्राम के लिंक के बाद ज्वाइन का बटन आएगा, तो आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, फिर आप एक ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। ओके, तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपने शनिवार को जो धमाका किया है, बहुत सारे व्यूज भी आए, सब्सक्राइबर भी बढ़े, तो आप अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहे, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद, आभार हम मैं बोल सकता हूँ। ओके, मिलते हैं अपन मंगलवार को, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब ख्याल रखें, मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा रीडिंग सेक्शन की, थैंक यू वेरी मच।